हेलो एवरीवान वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट सो वी आर डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ योर इग्नू एम एस सोशलॉजी इसकी ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग हम लोग आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं सो हेयर वी हैव द सब्जेक्ट एम एस ओ फोर ये आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में यू हैव फोर सब्जेक्ट आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो अगर देखी होंगी तो वी हैव फोर सब्जेक्ट एम एस ओ वन टू थ्री एंड दिस इज़ एम एस ओ फोर एम एस ओ फोर इज़ सोशलॉजी इन इंडिया तो अब देखिए अगर आप लोगों ने बेसिक सोशोलॉजी का पढ़ा है अगर ग्रेजुएशन करी है नहीं भी करी तो जब सोशोलॉजी के इमरजेंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन से उसके बाद एनलाइटनमेंट साइंटिफिक रिवोल्यूशन इन सब चीज़ों पे बात करते हैं बट हमें ये दिख रहा था कि सब्जेक्ट को जो आपने यूज़ करना स्टार्ट किया उसका इमरजेंस इंडिया में नहीं था तो पहले ये बाहर सब्जेक्ट इमर्ज हुआ देन इट है तो इंडिया में वो बन जाता है. जो इंडिया में इस सब्जेक्ट को लेके आए या जिन्होंने इस सब्जेक्ट के लिए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिए अब अगर हम फादर ऑफ सोशोलॉजी की बात करेंगे तो आप सबको पता होगा वो किसको बोला जाता है अगस्त कॉम्प्ट को ठीक है अगर फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी की बात की जाएगी तो वो हम कहते हैं किसे जीएस घुरे को तो जब इंडियन सोशोलॉजी पढ़ेंगे तो जीएस घुरे इनकी इंडोलॉजिकल अप्रोच ये सब चीजें मतलब वो पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे आपको धीरे धीरे देन एम एन श्रीनिवास ए आर देसाई इस तरीके के कुछ थिंकर्स हैं जो इनिशियली इस सब्जेक्ट को इंडिया में आगे लेके बढ़ रहे थे तो ये लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थिंकर से ज़्यादा ये सब्जेक्ट धीरे धीरे इवॉल्व कैसे हो रहा था ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है और आपके यहाँ पे जितने भी फेमस पर्सनालिटी रही हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सोसाइटी के रिगार्डिंग सोशल जो टॉपिक है इंस्टीट्यूशन है जैसे कि कास्ट को लेके कुछ ना कुछ अब उनके व्यू पॉइंट थे कास्ट के अलावा किनशिप को लेके फैमिली को लेके मैरिज को लेके तो ये सब हमें इंडियन परस्पेक्टिव में सब्जेक्ट में पढ़ना है तो आप देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी इन इंडिया है कि इमर्ज कैसे से हुआ ये यूनिट है जिसमें आप सोशल बैकग्राउंड देखोगे इमरजेंस का कि इमर्ज हुआ तो कुछ जरूरत ऐसी आई होगी कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी जिस वजह से ये चीज यहां पे आ गई तो वो इमरजेंस कैसे रहा इश्यूज एंड थीम्स क्या हैं और इंडिया में विलेजेस विलेज स्टडी देखो इंडिया में अर्बन एरियाज ये धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं लेकिन पहले तो यहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस एग्जिस्ट कर रहे थे तो वो विलेज स्टडी इन इंडिया का कंसेप्ट भी हम लोगों को देखना है फिर कास्ट के परस्पेक्टिव पे बात करनी है कास्ट को लेके अलग अलग व्यू पॉइंट थे सबके तो कोलोनियल कोलोनियल प्रस्पेक्टिव क्या था ड्रामनिकल प्रस्पेक्टिव क्या था जिसमें वर्ना सिस्टम कास्ट डिवीजन ये सब हम पढ़ेंगे फील्ड मतलब जब आप एक्चुअली में जाके ऑब्जर्व कर रहे थे तो आपको कास्ट को लेके क्या देखने को मिल रहा था अम्बेडकर एंड राम मनोहर लोहिया कास्ट को लेके क्या बोल रहे थे एंड सेंसस परस्पेक्टिव तो ये डिफरेंट प्रस्पेक्टिव ऑफ कास्ट हैं जो ब्लॉक टू में पढ़ने हैं देन वी हैव सर्टिन परस्पेक्टिव रिगार्डिंग फैमिली मैरिज एंड किनशिप फ़ैमिली क्या टाइप्स क्या ये तो जनरली भी आपको पढ़ाए जाते हैं बट इंडियन कंटेक्सट में यहाँ पे चीज़ें जनरली इन द सेंस सोशोलॉजी में जनरली बोल रही हूँ मैं तो यहाँ पे आपको हाउस होल्ड एंड फैमिली देखना है क्या होता है कॉन्फ्लिक्टिंग यूनिट जैसे कि हाउस होल्ड में कॉन्फ्लिक्टिंग यूनिट वाला जो पार्ट है कॉपरेटिव भी है देखो फैमिली में क्या होता है कि प्रेम मोहब्बत से भी रह सकते हैं प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन भी आ जाती है समटाइम मेंबर्स ऑफ द फैमिली के बीच में तो ये चीज़ मैरिज एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न मैरिज क्या इसके टाइप्स क्या और आज की डेट में किस तरीके से फैमिली एंड मैरिज के जो सीनरियों हैं वो चेंज हो रहे हैं डिसेंट एंड अलाइंस अप्रोच टू स्टडी ऑफ कैनशिप इन इंडिया कैनशिप को जब आप स्टडी करते हो तो यू हैव अलायंस अप्रोच एंड डिसेंट अप्रोच तो ये क्या होती है थिंकर्स के नाम भी आएंगे इसमें ठीक है इनसे रिलेटेड जो थिंकर्स हैं उनके नाम भी हम यहाँ पे पढ़ के चलेंगे देन वी हैव ब्लॉक फोर प्रस्पेक्टिव ऑन क्लास कास्ट एंड जेंडर तो एग्रेरियन मतलब डिफरेंट टाइप की जो क्लासेस होती हैं क्लास डिवीज़न मतलब इनकम ऑक्युपेशन को लेके तो एग्रेरियन जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो इसके वल्यूशन और इशूज़ और इन सब चीज़ों पर बात करनी है वर्किंग क्लास मिडिल क्लास ये कैसे इमर्ज हुई एंड देन जेंडर कास्ट एंड क्लास किस तरीके से ये रिलेटेड है इन सब टॉपिक पे भी बात करनी है तो ये फर्स्ट बुक के चार ब्लॉक हमारे पास हो गए देन वी हैव बुक टू इतना ही नहीं है बुक इसमें दो बुक्स हैं आपके पास तो ब्लॉक फाइव में हमारे पास आता है ट्राइब्स के बारे में कास्ट क्लास पढ़ लिया आपने अब ट्राइब्स के बारे में क्या चीज़ें हैं मतलब तो देखो क्या क्या पढ़ाया जा रहा है आपको फैमिली पढ़ाई जा रही है यहाँ पे आपको मैरिज प्रस्पेक्टिव इमरजेंसी के बाद ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना किनशिप पढ़ाया जा रहा है कास्ट पढ़ाई जा रही है क्लास को लेके डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो बताई जा रही है रिलीजन बताया जाएगा सोसाइटी में जित मतलब जितने भी सोशल मूवमेंट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट इशू पे वो इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं तो यही कुछ सिलेबस है इस सब्जेक्ट का ट्राइब में आपको ट्राइब टेरिटरी ट्राइब एंड कास्ट जी एस घुरे मैंने भी बताया है और इनके अलावा भी काफ़ी लोगों के वेरियर एल्वन जी एस घुरे का क्या परस्पेक्टिव था एसिमलेशन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या होता है इसी में आप लोग देखोगे सेलिड बाउल का कंसेप्ट क्या है मेल्टिंग पॉट क्या होता है ये सब भी इसी टॉपिक का पार्ट है जब ये पढ़ेंगे तो ही हम लोग वो भी देखेंगे सैलेड बॉल एंड मेल्टिंग पॉट सोशल डिफरेंशिएशन किस तरीके से हो रहा है ट्राइब के बीच में ये सब ट्राइब वाली यूनिट में आप पढ़ेंगे देन वी हैव रिलीजन सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन तो रिलीजन किस तरीके से पॉलिटिक्स से लिंक कर रहा है रिलीजन किस तरीके से कल्चर पे इम्पैक्ट डाल रहा है लिंक कर रहा है uh, रिलीजन के डिफरेंट डायमेंशन जिसमें कोइजिव एंड डिविजिव ये सब बात करनी है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी इसमें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ आ सकती है देन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम द वेस्ट इंडियन सेक्युलराइजेशन वेस्ट से किस तरीके से अलग है ये सब ब्लॉक सिक्स में हमें पढ़ना है देन वी हैव डायनमिक्स ऑफ सोशल प्रोसेस सोशल प्रोसेस जो भी सोसाइटी में कुछ बेसिक चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे थे उनको एक टर्म दी गई जैसे कि हमने देखा अर्बनाइजेशन हो रहा था तो व्हाट इज़ दिस व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद इट ये अर्बनाइजेशन का सिर्फ मीनिंग नहीं पड़ना ये आप देख रहे हो पूरी एक यूनिट है 119 से 136 पेज तक आप देख सकते हो तो यहाँ इतने पेजेस का कंटेंट डेटा यहाँ लिखा हुआ है चीज़ें तो वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल्स माइग्रेशन माइग्रेशन के टाइप माइग्रेन माइग्रेशन के कॉजेज द पैटर्नस ऑफ माइग्रेशन रीजन्स वगैरह ये सब देन इंडस्ट्रलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये सब सोशल प्रोसेस हमें पढ़ने हैं देन हमें देखने हैं प्रस्पेक्टिव ऑफ सोशल मूवमेंट सोशल मूवमेंट क्या वॉट एंड वाई सबसे पहले तो ये देखोगे क्या और क्यों क्या एंड क्यों के बाद देखोगे आपकी कितने टाइप्स के हैं क्या क्या चीज़ें सोशल मूवमेंट में आ रही हैं तो यहाँ पे आपने देखा सोशल मूवमेंट का मीनिंग और डायमेंशन पढ़ लो टाइप्स पढ़ लो वही जो मैंने अभी आपको बताया देन पीस एंड मूवमेंट न्यू सोशल मूवमेंट इस तरीके से अलग अलग मूवमेंट है वुमेन को लेकर अलग है, को ले अलग है people, कास्ट को लेकर अलग है मार्जनलाइज पीपल एस सी एस टी कास्ट को लेकर जो प्रॉब्लम इशूज़ आ रहा था उसको लेके भी अलग मूवमेंट हुए हैं ओल्ड कुछ सोशल मूवमेंट हैं कुछ न्यू सोशल मूवमेंट है तो ये सब चीज़ें आप ब्लॉक एट में यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये सब जो भी डिटेल हमें पढ़नी है ये इंडियन परस्पेक्टिव से पढ़नी है बाहर के प्रस्पेक्टिव से जब डिटेल सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो कुछ टॉपिक के मतलब हम जान जाते हैं ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में सब्जेक्ट में कवर हो जाते हैं बट यहाँ पे उसको हम इंडियन परस्पेक्टिव को बेस लेके पढ़ेंगे कि हाउ इट इज़ हैपनिंग इन इंडिया क्लियर तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी दिस इज द सिलेबस ऑफ द एम एस ओ फोर दैट वी आर गोइंग टू कवर पेड क्लासेस में वी विल कवरिंग वी विल बी कवरिंग ट्वेंटी टॉपिक रेस्ट यूट्यूब पे काफ़ी सारी जो है वीडियोस अवेलेबल है दोज हु हैव नॉट जॉइन द पेड क्लासेस वो यूट्यूब की जितनी वीडियो है आप उतना देख के कवर कर सकते हैं एंड यू कैन ईजीली गेट द नोट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल सो प्लीज़ डाउनलोड द टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम अगर है आपके पास इंस्टॉल सर्च एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड फाइल सेक्शन में जाके आप यूट्यूब वाली वीडियोज़ के नोट्स वहाँ से ले सकते हैं पेड वाले आपको वाट्सअप ग्रुप पर जब आप ऐड होंगे तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग